वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो तुमसे होता है। ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है, हम लोग के पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर कुछ चार्ज है। और देखो इस सिलेंडर के अंदर मैंने कुछ चार्ज रखे, सिलेंडर में सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की करो कि कितने सरफेस है। अगर ये चार्ज है तो फील्ड लाइन है, इससे निकल रही होंगी इस टाइप से यार। तो जो टोटल फ्लक्स है गॉस थ्योरम से, टोटल फ्लक्स है फ्लक्स इस सिलेंडर से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम। और ये जो फ्लक्स है वो इस सिलेंडर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, किसी रैंडम शेप है, तो फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता। बट अभी हमें सिलेंडर कंसीडर करके चलना है। तो सिलेंडर में तीन सरफेस है, यहाँ मैं 3D व्यू दिखाया हूँ आपको। एक जो सरफेस है वो इधर है सामने वाला, और इसी के जैसे एक नीचे है और एक कर्व वाला है, जो कर्व है, तीन सरफेस है। तो ये कहता है कि फ्लक्स लिंकेड थ्रू द प्लेन सरफेस ए निकालना है, एंड एफ इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस। ये एफ नहीं, फ्लक्स फाई है, फाई इज द फ्लक्स कर्व सरफेस। कर्व सरफेस ये वाला जो सरफेस आपको दिया हुआ है, ये जो सरफेस है कर्व वाला, इस सरफेस का फ्लक्स फाई है। तो इस ए नाम का सरफेस और बी इसके नीचे है, तो ए से फ्लक्स फाई डैश है, तो उसकी कैलकुलेशन मुझे करनी है, बराबर है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम। अब ये बात पता है कि गॉस थ्योरम से टोटल फ्लक्स, इस सिलेंडर का जो टोटल फ्लक्स है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। टोटल फ्लक्स में तीनों सरफेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ से जो फील्ड लाइन है बाहर जा रही हैं, तो वो इस ए का सरफेस हो गया। इसी तरह से ये जो फील्ड लाइन है बाहर जा रही है वो सी का हो गया। तो फ्लक्स थ्रू द सी प्लस फ्लक्स थ्रू द ए प्लस फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस मस्ट बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा ना भाई, तीनों सरफेस का जोड़ दे। तो अब भाई सिमेट्री देख रहे हो, ए और सी का फ्लक्स आपस में इक्वल होगा क्योंकि सिलेंडर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज है वो यहाँ से, जो सरफेस एरिया फील्ड सेम है और सरफेस एरिया, तो ये दोनों फ्लक्स ये इक्वल होंगे। तो ये जो फ्लक्स इक्वल होंगे तो 2φA प्लस फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सरफेस एरिया इक्वल है। तो यहाँ से फ्लक्स फाई ए का सरफेस आ जाएगा 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, दिस इज द सॉल्यूशन। तो दिस इज द सरफेस थ्रू द सर्कुलर सरफेस ए आर बी, मतलब डी ऑप्शन सही है। तो ए और बी से जो सरफेस है इतना हमें होगा। चलो